जय हिंद सुपर 30 एनडीए एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। हमने 10th के बोर्ड के एग्जाम के बाद एसपीआई का भी एग्जाम देखा और अभी आप ब्रेक लेके फ्रेश तरीके से कल से अपना एनडीए का सपना पूरा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कल से हमारे ऑनलाइन क्लास खास करके मैथ्स और इंग्लिश लगभग डेली और तीसरा गैट में से कुछ सेक्शन तीसरा पीरियड लगभग डेली होगा। तो आपका ये जो सफर है आपको बहुत सीरियसली इसको शुरू करना है। ऐसा मैं यूं कह रहा हूं कि आपका जो सितंबर 2025 में पहला एनडीए अटेम्प्ट आने वाला है और जो 12th में अभी बच्चे हैं उनमें से भी कुछ लोग अगर इस कोर्स को रिवीजन की तरह ले रहे हैं तो सितंबर 2024 में उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। इन दोनों कैटेगरी के 11th एंड 12th के बच्चों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है अपना सीरियस प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुरू करें। और सुपर 30 में जो बच्चे आएंगे उनका तो हम बहुत सिस्टमैटिक कोर्स ऑफलाइन शुरू करेंगे, लेकिन कल से शुरू होने वाले कोर्स में सवेरे के 3 घंटे आपने अच्छी तरह से फ्रेश माइंड से देने हैं और सेकेंड हाफ जो डे का होता है उसमें आप तरतीब से अगर पढ़ाई करें तो आपकी बहुत अच्छी शुरुआत होगी और आपका जो सपना है एनडीए का वो पूरा हो सकता है। जो बच्चे एसपीआई के एग्जाम दे चुके हैं वो शायद एसपीआई के लिए अभी जा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एसपीआई नहीं भी दिया है उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। वो अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे और विदाउट हार्डवर्क आपका एनडीए का सपना पूरा नहीं होगा, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है और खास करके मैथ्स पेपर के लिए आपको बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए। और इस बार का पेपर आप देखें तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड था, जो 21 अप्रैल को इस 12th के बैच का पेपर हुआ एनडीए का वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड था। आपने अच्छी तरह से मेहनत करने से कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको लंबा सफर करना है, बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो भी टेस्ट होगा। इसलिए मैं याद दिलाऊंगा, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफर गेट्स गोइंग, इस फिलॉसफी पे आपको मेहनत करनी है और गिव अप नहीं करना है। पढ़ाई को शुरू करके सिस्टमैटिक एक हाइट तक ले जाना है जहां आप सस्टेन कर पाए और एनडीए का सपना पूरा करें। हमारे अभी पंकज बोरियकर सर आपको विस्तार से इस कोर्स के बारे में बताएंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू सर। अभी आपके साथ हमारे स्कूल के कमांडेंट कर्नल संजय जी सोनू ने सर बात कर रहे थे। एनडीए सुपर 30 सिलेक्शन ऑनलाइन बैच, ये जो बैच है हमारा स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 मई टू 9 जून। तो मैं इस कोर्स के शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो ये जो हमारा शेड्यूल है इसमें डेली रूटीन कैसे रहेगा, इसमें हमारे 3 क्लासेस होंगे। पहला क्लास जो है हमारा सवेरे 7 बजे शुरू होगा, 7 to 8 AM मैथमेटिक्स का ये हमारा पहला क्लास है। दूसरा क्लास जो है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इंग्लिश के लिए होगा और थर्ड क्लास इट स्टार्ट फ्रॉम 9 to 10 एंड दिस विल बी इंक्लूड्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जीके अल्टरनेट क्लासेस। हर दिन अलग अलग तरह के पीजी, एक दिन फिजिक्स के लिए तो आना, सेकंड दिन केमिस्ट्री, फिर बायो और जीके, इस तरह से हमने इस क्लासेस को अरेंज किया है। तो ये जो पूरा कोर्स है इसमें जो है हर दिन सिर्फ 3 घंटे की क्लासेस है और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे के बाद आप फ्री होते हैं और उसके बाद जो है आपकी सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। तो एक्चुअल जो है 1 घंटे का जो क्लास है इसमें 40 to 45 मिनट्स आपका टीचिंग होगा और रिमेनिंग टाइम में हमारे टीचर जो है आपके जो डाउट्स है वो उसमें सॉल्व करेंगे। अब टाइम टेबल फॉर द टेस्ट, ये जो हमारा कोर्स है इसमें 4 टेस्ट हम लेने जा रहे हैं। पहला टेस्ट जो होगा हमारा 12 मई को होगा संडे, दूसरा टेस्ट जो है 23rd of May थर्सडे, थर्ड टेस्ट जो है हमारा 2nd June संडे और फोर्थ टेस्ट जो है हमारा 9 June संडे, ये हमारा आखिरी टेस्ट है। अब ये जो 4 टेस्ट होंगे ये गूगल फॉर्म के ऊपर होंगे, गूगल फॉर्म की लिंक जो है आपके ईमेल एड्रेस पर आपको भेज दी जाएगी और वहाँ पे इसे ओपन करके आपको इस टेस्ट को सॉल्व करना है। इस टेस्ट में नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 400 मार्क्स के लिए पेपर रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स है और इसमें हमने निगेटिव मार्किंग सिस्टम रखी है। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क जो है इसमें माइनस होगा। तो इस तरह से आपका जो है रिजल्ट वहाँ पर तैयार होगा। जैसे ही आप
क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, चार में से एक ऑप्शन को आपको करेक्ट क्लिक करना है, और इस तरह से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस टेस्ट को आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप टेस्ट को सबमिट करते हैं तुरंत आपको उसका रिजल्ट जो है आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। तो इस तरह के चार टेस्ट होंगे और चार टेस्ट के आधार पर हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आप हमारी सुपर 30 NDA बैच जो है वो तैयार होगी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डेट वाइज टीचिंग प्रोग्राम। अब इस डेट वाइज टीचिंग प्रोग्राम को विस्तृत इस वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए आप जो है ये डेट वाइज जो प्रोग्राम है इसके आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। तो पहला जो है आपको 2 मई से लेके 8 मई तक ये आपको डेट वाइज टीचिंग प्रोग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के रेगुलर क्लासेस है, पहला क्लास, सेकंड क्लास जो है हमारे इंग्लिश का है, और थर्ड जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, इसके लिए अलग अलग टीचर्स आपको दिखाई देते हैं। देन ये जो प्लान है नेक्स्ट आपके सामने आया है, जैसे ये प्लान आपके सामने आता है वो आपको क्या करना है इसके स्क्रीनशॉट निकाल लें। 9 मई से लेके 14 मई तक यहाँ पे आपको ये टीचिंग प्लान पूरा दिया गया है, और देन 15 मई से लेके 20 मई तक आपको ये टीचिंग प्लान है यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए। योगेश सर पहले ज्ञानेश्वर सर थे, अब योगेश सर, क्योंकि अलग है, एक सब्जेक्ट के लिए भी एक से ज़्यादा टीचर्स जो है हमने इसमें हायर किए हैं, और निकिता मैडम के रेगुलर क्लासेस है इंग्लिश के लिए। अब यहाँ पे 17 मई से आप देख पा रहेंगे इंग्लिश के लिए अब जितेंद्र ताइडे सर हमारे साथ जुड़ेंगे 25 मई तक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए अलग अलग टीचर्स और उनके सब्जेक्ट्स मैंने इस थर्ड कॉलम में आपको दिए हैं। देन नेक्स्ट जो टीचिंग प्रोग्राम आपके सामने है फ्रॉम 21 मई से लेके 26 मई तक, तो इसमें जो है आपकी सेकंड टेस्ट जो है, पहली टेस्ट जो आपकी थी 12 मई को थी, सेकंड टेस्ट आपकी 23 मई को है, और इस सेकंड टेस्ट जिस दिन है उस दिन हमारा एक क्लास भी होगा सबसे पहले 7 से 8 बजे तक सुनील सर का, और उसके बाद आपकी टेस्ट जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट जो है दिन में आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट को सॉल्व करने जाएंगे तो एक बार आपने टेस्ट को ओपन किया तो आपको उसे सॉल्व ही करना है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि एक बार आपने टेस्ट को सबमिट कर दिया तो दोबारा आप इस टेस्ट को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देन नेक्स्ट प्लान जो है आपके सामने 27 मई से लेके 1 जून तक, यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए योगेश सर कंटिन्यू क्लासेस लेंगे, निकिता मैडम इंग्लिश के लिए क्लासेस लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके के लिए अलग अलग टीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है। देन नेक्स्ट प्लान है आपको 2 जून से लेके 7 जून तक आपको ये टीचिंग प्लान है आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 2 जून 2 जून को आपकी थर्ड टेस्ट होने जा रही है, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, और आपका आखिरी टीचिंग होगा 8 जून को, जिसमें मैथमेटिक्स का आखिरी क्लास होगा, ज्ञानेश्वर सर आपका क्लास लेंगे, निकिता मैडम इंग्लिश का क्लास लेंगे, और फिजिक्स का क्लास मुकेश सर लेंगे, और 9 जून को आपका 4th टेस्ट होगा, और ये आपका आखिरी टेस्ट है, और 10 जून को आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और इसके बाद जो है नियर अबाउट 14 to 15 जून जो है यहाँ पे हम इंटरव्यूज के लिए आपको कॉल भेज सकते हैं, और इसके बाद जो है सुपर 30 बैच जो है वो तैयार होगी, और ऑफलाइन टीचिंग जो है 15 जून के बाद आपको हमारे मिलिट्री स्कूल जिसका नाम है राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल, यहाँ पे आपके ऑफलाइन क्लासेस और NDA की पूरी जर्नी जो है वो चलेगी। और जब एक्चुअल क्लासेस हमारे स्टार्ट होंगे इसमें NDA का पूरा सिलेबस जो है हम 31 मई 2025 यहाँ तक हम पूरा NDA का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपके रिविजन्स होगी, और September 25 में आपका पहला अटेम्प्ट रहेगा जो अभी क्लास 11th में है उनके लिए। और यहाँ पे जो है टीचर वाइज पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिए हैं मैंने, अब इसको आपको अच्छी तरह से देखना है कौन कौन से टीचर्स हैं, इनके क्वालिफिकेशंस मैंने यहाँ पे दिए, उनके क्लासेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, और हो सकता है बीच में और कोई और भी टीचर्स जो है आपको इस जर्नी में जुड़ सकते हैं।
जैसे ज्ञानेश्वर पाटिल सर जो है एमएससी मैथ, इनके 14 क्लासेस होंगे मैथ के लिए। ये आपको लॉगरिथम, बाइनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये जो है चैप्टर्स आपके लेने वाले हैं। उसके बाद जो है योगेश चाटे सर बीए आर्किटेक्ट बीकॉम, इनके 18 क्लासेस होंगे, ये आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीन चैप्टर जो है आपके वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। निकिता पाटिल मैडम जो है बी सिविल, शी इज़ एक्सपर्ट इन इंग्लिश ग्रामर, शी विल टेक द इंग्लिश ग्रामर इन दिस क्लासेस। 25 क्लासेस आर टू बी अलॉटेड टू द निकिता पाटिल मैडम एंड शी विल टेक द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल्स। देन जितेंद्र ताड़े सर एमए इंग्लिश एमफिल, ये जो है आपके इंग्लिश के लिए 7 क्लासेस लेंगे, इनमें वर्ब, इन्फिनिटिव, जेंडर्स, इनके बारे में इनके क्लासेस रहेंगे। प्रतीक कुराड़े सर बी कॉमर्स, बी कंप्यूटर साइंस, इनके फिजिक्स के ऊपर 5 या 6 क्लासेस रहेंगे, इसमें जो है काइनेमेटिक के ऊपर जो है इनका ज़्यादा फोकस रहेगा। देन मुकेश नायक सर एमएससी फिजिक्स, इनके जो है 3 क्लासेस होंगे, इनमें ग्रेविटेशन और यूनिट में एंड मेजरमेंट्स, इनके बारे में ये क्लासेस लेंगे, ये चैप्टर आपके कंप्लीट करवाएंगे। सुनील डिगोड़े सर एमए डिफेंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एमए नेट सेट, इनका क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा है, इनके 5 क्लासेस होंगे जीके के लिए। तो जीके का सिलेबस इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है, करंट अफेयर्स और जीके, इनके बारे में अलग अलग टॉपिक्स जो है, इनकी लिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो हमारे वीडियो की लेंथ बढ़ जाएंगी। तो ये सर आपके जीके के संबंधित जो भी टॉपिक्स है आपकी इस कोर्स के दौरान इस ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे संगीता देशमुख मैडम एमएससी बॉटनी, इनके 4 क्लासेस होंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रहेगा, चैप्टर आपका कंप्लीट किया जाएगा। अनूप कटारे सर एमएससी जूलॉजी रिप्रोडक्शंस, और जो चैप्टर्स हैं इनके इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो ये चैप्टर्स आपका ये कंप्लीट करवाएंगे। देन सतीश तड़ेकर सर एमएससी केमिस्ट्री, ये जो है केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं, इसमें आप रेडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल्स डिटेल में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो ये चैप्टर्स इनके रहेंगे। तुषार केचे सर जो है वो केमिस्ट्री में इनका साथ देंगे, तो ये 2 केमिस्ट्री के लिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी पूरी टीचिंग टीम, इसके साथ साथ कमांडेंट सर भी बीच बीच में आपके क्लासेस लेंगे, और मैं भी जो है आपको एनडीए के बारे में, कोर्स के बारे में गाइडेंस करूंगा, और आपको जो भी क्यूरीज आती है, जो भी डाउट्स आते हैं, वो सीधे आप मुझे कॉल करके जो है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कि अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स है, मेरा नंबर जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल रहेगा बच्चों। तो 2 तारीख यानी कल से आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है, 2 दिन के लिए ये क्लासेस हमारे फ्री रहेंगे, लेकिन 4 तारीख से ये क्लासेस जो है जिन जिन बच्चों ने फीस पेड किया है उनके लिए ये क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, इसलिए आपको फीस पहले पे करना है, 1000 रुपीज़ फी इज़ नथिंग, एंड उसके बाद आपको गूगल फॉर्म भरना है, और गूगल फॉर्म में आपका ईमेल एड्रेस जो है वो करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारा जो मिलिट्री स्कूल है राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल, यहाँ पे जो है क्लास 6 से लेके 12 तक जो है क्लासेस चलते हैं, उनके लिए एडमिशन सभी हमारे स्कूल में शुरू है। अगर किसी को एडमिशन लेना है तो यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन जो है ले सकते हैं क्लास 6 से लेके 12 तक। तो हमारे जो एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो इस चैनल को आप सर्च करेंगे तो स्कूल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी। आशा करता हूँ इस सुपर 30 सिलेक्शन एनडीए बैच के बारे में और इसके शेड्यूल के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कम्प्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।